सो आज की कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है नालायक पति। कविता अपने छत पर खड़ी होकर अभी भी आंगन में देख रही थी कि शायद भाभी तुलसी के पौधे में पानी ढालने आ जाए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बार बार भाभी की कही बात कानों में गूंज रही थी कि दहेज नहीं लिया है कविता, अभी उसका भी एहसान चुकाना है मुझको। बगल वाले घर से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर में तेज तेज बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। पापा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। पापा ने माँ से कहा कि खाना बना कर रख देना और देखो बगल के घर में क्या हो रहा है, बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। माँ बोली, हम नहीं जाएंगे, ये हमारा पारिवारिक मामला है। पापा बोले, तो क्या हुआ, जाओ देखो जाकर, बहू को मार रहे होंगे। अगर हम लोग दखल देना बंद कर देंगे तो उन लोगों का अत्याचार और ज़्यादा हो जाएगा, लोग समाज से ही तो डरते हैं। माँ उठी और बगल में चल दी। अभी माँ पहुँची भी नहीं थी फिर अमित भैया ने भाभी को बेल्ट से ऐसा मारा कि भाभी आंगन में आ गिरी। दूसरा बेल्ट लगते ही माँ पहुँच गई और बोली, छोड़ दो इसको, कहीं लग जाएगा। माँ को देखकर भाभी अपना घूंघट जोरों से खींचते हुए पूरा मुंह ढक लिया और जल्दी से कमरे में चली गई। ये सब पहली बार नहीं था, अक्सर ही ऐसा होता था। सुशीला जो भाभी की सास है वो तुरंत बोली, तो ऐसा करती ही क्यों है, जो अमित को गुस्सा आ जाता है, खाना भी तो ढंग का बनाना नहीं आता। भैया कमर में बेल्ट लगाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। भाभी की ननद भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। भाभी मेरी माँ से बात नहीं करती थी। भाभी संकोचवश माँ के सामने आने से कतराती थी और अपनी सास सुशीला से डरती भी थी। भाभी से दोपहर से ही मुलाकात संभव हो पाता था क्योंकि उनकी सास मोहल्ले में बैठकर किसी से पंचायत कर रही होगी और भैया ऑफिस में होते और ननद कॉलेज में। मैंने कॉलेज से लौटते समय पेन किलर लिया और भाभी के पास पहुंच गई। भाभी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह सुबह बैल से मार खाई है। मैंने दवा दे दिया। भाभी ने कहा, कविता अभी तबीयत ठीक है। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रही हैं भाभी, दवा खा लो, दर्द छुपाने से नहीं छुपता। भाभी कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ ना कुछ काम किए जा रही थी, मुझसे नज़रें भी नहीं मिला रही थी। मैंने भाभी का हाथ पकड़कर कहा, आप अपने पिताजी को कुछ बताती क्यों नहीं है। इतना सुनकर भाभी रोने लगी, न जाने मैंने ऐसा क्या कह दिया। थोड़ी देर में भाभी सहज होकर बोली, मैं अपने पिताजी से क्या बताऊं कि उनके दामाद का किसी तलाकशुदा औरत से अफेयर चलता है। मेरे पति ने दहेज में कुछ नहीं मांगा, उसका भी तो एहसान है मुझ पर। एहसान नहीं भाभी, उन्हें नौकरानी चाहिए थी। फिर भैया और उनकी सास ने आपसे अफेयर वाली बात भी तो छुपाई है, भाभी आप विरोध क्यों नहीं करती। भाभी के आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, हम विरोध करते हैं तभी तो मार खाते हैं। भाभी काम छोड़कर आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। भाभी को बैठा देखकर मैं भी बैठ गई। भाभी बोली, मेरे बाबूजी बहुत गरीब हैं, मेरी दो बहनें और दो भाई हैं, एक बहन की शादी तय हो गई है, मैं कैसे अपनी कहानी अपने बाबूजी को बताऊं। मैंने गुस्से में कहा, और जो आपको तकलीफ होती है उसका क्या, मैं अपने बाबूजी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूं कविता, अगर मैं मायके चली गई तो बाबूजी समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। शादी के बाद ये सब होता है कविता, किसी के साथ कम तो किसी के साथ ज़्यादा, सभी की ससुराल एक जैसी ही होती है, कुछ जो नसीब वाली होती हैं उनकी ही किस्मत अच्छी होती है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है कविता। जब किसी औरत को उसको पति बिना वजह मारता है, चोट शरीर पर नहीं आत्मा पर लगती है। भाभी ने बात को तुरंत बदलते हुए कहा, और बताओ कविता, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है, तुम तो मेडिकल की कोचिंग कर रही हो, उसके बाद तुम डॉक्टर बन जाओगी, उसके बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी।
भाभी मुस्कुराते हुए बोली, फिर मुझे दवाइयाँ कौन देगा। इसके बाद मैं घर आ गई। एक हफ्ते तक घर में शांति बनी रही, उनके घर से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ दिनों बाद फिर वही मारकूट। कभी कभी तो अमित भैया 2-3 दिन तक घर ही लौट कर नहीं आते। जब भाभी पूछती आप इतने दिन कहाँ थे, तो अमित भैया कोई जवाब नहीं देते, लेकिन अपना गुस्सा खाना फेंक कर निकलते। उसने भी मन नहीं भरता तो किसी ना किसी बहाने से भाभी को पीट कर गुस्सा शांत कर लेते। मेरा घर 2 मंजिल का था। दूसरी मंजिल पर मेरा कमरा था। मेरे कमरे की खिड़की भाभी के आंगन में खुलती थी। पढ़ाई करते वक्त अक्सर भाभी को झांक लिया करती थी। भाभी को शादी के 6 महीने बाद से ही भैया मारने लगे। मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और 5 सालों के लिए मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ा। बीच में छुट्टियों में जब मैं घर आती तो भाभी से ज़रूर मिलती। मैंने भाभी से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। उनके गालों पर उंगलियों के निशान, हाथों और कमर पर काले धब्बे सारी कहानियाँ खुद ही बयां करती। ज़्यादातर बातें माँ बता ही देती थी, लेकिन मेडिकल पूरा होने के बाद मेरी शादी इंदौर में एक डॉक्टर से तय हो गई। मेरी शादीशुदा जिंदगी और डॉक्टरी बहुत अच्छी चल रही थी। भाभी की याद अक्सर आ ही जाती थी। जब मैं मायके अपने घर आई तो भाभी कहीं दिख ही नहीं रही थी। मैंने माँ को साड़ी दिखाते हुए कहा कि यह साड़ी भाभी के लिए लाई हूँ, देखो माँ भाभी को पसंद आएगी। माँ ने कहा, भाभी अब इस दुनिया में नहीं है। एक रात न जाने क्या हुआ, कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं सुशीला के डर से नहीं गई। सुबह उसे चारपाई पर लादकर अस्पताल ले जा रहे थे। मोहल्ले के सब लोग बातें कर रहे थे कि रात में अमित ने भाभी को डंडों से पीटा, फिर भी मन नहीं भरा तो लातों से मारना शुरू किया। रात भर भाभी दर्द से छटपटाती रही। उसने अमित से कहा, मुझे अस्पताल ले चलो, मेरा पेट फूल रहा है, लगता है कहीं चोट लग गई है। लेकिन अमित नहीं गया। सुबह जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी बीच रास्ते में भाभी ने दम तोड़ दिया। भाभी को भी इस नरक की जिंदगी से मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, रियल जिंदगी में ऐसा कई बार होता है। मेरे हिसाब से तो ऐसे पतियों को मर जाना ही बेहतर है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।